सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा मिला। यह भाषा सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा इस भाषा को भारत देश में संस्कृति और संस्कार के प्रतिबिंब है। वे भारत देश की एकता का प्रतीक है। यह भाषा भारत देश की पहचान है। हिंदी को भाषा में अमूल्य महत्व है। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी को बचाने का एक प्रयास भी है। आज हम अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व दे रहे हैं। जिस व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती उसे हम गवार समझते हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर हम ये लिखना चाहते हैं कि हिंदी अंग्रेजी हमें जरूर सीखनी चाहिए, लेकिन हिंदी का महत्व कम नहीं करना चाहिए। हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा हमारा अभिमान है। हिंदी हमारे देश का गौरव है। इस दिन हम भारतवासी यह प्रण करते हैं कि हिंदी दिवस हिंदी भाषा को बढ़ाएंगे और उसकी हमेशा उन्नति करेंगे। हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। इतना बोलकर मैं मेरी जगह लेती हूँ। धन्यवाद। हिंदी भाषा सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली और सुनी जाने वाली भाषा है। बीतते समय के साथ इसकी लोकप्रियता और बढ़ती जा रही है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को संविधान सभा में राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। दुनिया भर में हिंदी भाषा तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा ही बोली जाती है। वर्ष 2023 में 14 सितंबर से 29 सितंबर तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन देश भर में किया जाएगा। हिंदी का सम्मान देने के लिए 10 जनवरी की प्रति वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस हमें यह याद दिलाने एक भूमिका निभानी जाती है और प्रत्येक भारतीयों में मातृभाषा से पर अपना गर्व महसूस होना चाहिए। इस तरह के कई आयोजन देश भर में किए जाते हैं। हिंदी निबंध प्रतियोगिता, हिंदी भाषण प्रतियोगिता, हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता, हिंदी अभिखंड एवं प्रतियोगिता, हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता आदि शामिल है। धन्यवाद। मैं शिंदे अक्षरा, मैं आपको गिरिजा कुमार की कविता सुनाने वाली हूँ। एक डोर में सबको है बांध रही वह हिंदी है। हर भाषा को सगी बहनों मानती वह हिंदी है। भरीपुरी हो सभी बोलियां यह मनोकामना हिंदी है। गहरी हो पहचान आपसी यही साधना हिंदी है। धन्यवाद। मैं तर्वी तर्वी, हिंदी दिवस पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। गुंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार। शब्द संघ के मंच से हिंदी का जय जयकार, हिंदी का जय जयकार। हिंदी हिंदी में बोलो देख स्वभाषा प्रेम। विश्व अचरज से डोला को कहती कविरा। मेम की माया टूटी भारत माता धन्य स्नेह की सरिता फूटी। धन्यवाद। मैं मगर अंजलि, हिंदुस्तानी है हम, हिंदी हमारी जुबान है। हिंदी दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामना है। जिसने सबके मन को जीत लिया ऐसी हिंदी भाषा है। सरल शब्द में कहो तो हिंदी जीवन की परिभाषा है। हिंदी भारत देश में 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को 1949 को हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। यह भाषा हमारे भारत देश की पहचान है। यह भाषा हमारे भारत देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह भाषा हमारे देश की संस्कृति का प्रतीक है। यह भाषा हमारे अखंडता और एकता का प्रतीक है। धन्यवाद। मैं दर्वी दर्शना, हम सभी बच्चे आज हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी के प्रति अपना राष्ट्र प्रेम अपने विचारों के माध्यम से प्रकट करने वाले हैं। वर्कर, वर्कर, माइक वर्कर।
उठो जागो, हिंदी सुनो, हिंदी बोलो, हिंदी सोचो, हिंदी पढ़ो, हिंदी लिखो, हिंदी समझो। मैं माहेश्वरी नारायण सिद्धेवा। हिंदी है भारत की एकता और अखंडता की पहचान, हिंदी ही तो है मेरे देश की शान और जान। मैं इंगोली शुभांगी। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह पर ले जाना है, केवल एक दिन ही नहीं, हमें हर दिन हिंदी दिवस मनाना है। मैं नरवाड़ी साईदी। उसी दिन मेरा जीवन सफल होगा जिस दिन मैं सारे भारतवासियों के साथ शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करूंगी। धन्यवाद। मैं पार्थ आयुंगुल। आसान होते हैं संवाद मेरे, आसान होते हैं संवाद मेरे जब कथन हिंदी में कहता हूँ, आग लगे प्यारी मुझे जब हर शब्द इसका लिखता हूँ। गर्व है वर्णमाला पर इसकी कठिन है मगर आसान समझता होता हूँ। आनंद विभोर में ये शब्द हर इसका पढ़ता हूँ। लगे आसान वेद पुराण उपनिषद जन हिंदी में, लेंगे आसान वेद पुराण उपनिषद जन हिंदी में, सुनता हूँ उपनिषद हिंदी में सुनता हूँ। और लगे प्यारे मुझे जब हिंदी में सुनता हूँ। हर भाषा का एक स्वरूप होता है, मैं हिंदी को निजी स्वरूप समझता हूँ। हर भाषा का एक स्वरूप होता है, मैं हिंदी को निजी स्वरूप समझता हूँ। आसान होते हैं संवाद मेरे जब कथन हिंदी में कहता हूँ। धन्यवाद। सबसे प्यारी सबसे न्यारी हिंदी राष्ट्रभाषा है हमारी। हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है। बीतते समय के साथ साथ हिंदी भाषा की लोकप्रियता और भी बढ़ने लगी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा ने जनभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है। भारत में विभिन्न भाषाएं हैं लेकिन हिंदी भारत की सबसे अधिक लिखी पढ़ी और बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा को सम्मान देने के लिए 10 जनवरी को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह याद दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हिंदी विश्व की सबसे पुरानी भाषा है, पुरानी भाषाओं में से एक है और इस पर बोलने के लिए प्रत्येक भारतीय को अपनी मातृभाषा में बोलने के लिए अभिमान होना चाहिए। जय हिंद।